हेलो एवरीवन, वेलकम टू HK24 न्यूज़। बसपा कल्याण में कल यानी 10 अप्रैल को अल जमीतुल कुरैश ट्रस्ट का इलेक्शन हुआ, जिसमें हिस्सा लेने वाले 34 उम्मीदवार थे। इनमें से 11 अफराद मुंतखब होंगे। इस इलेक्शन का रिजल्ट 11 अप्रैल को डिक्लेयर हुआ। इस इलेक्शन में 34 उम्मीदवारों में से 11 अफराद मुंतखब हुए, जिसमें मोहम्मद मुश्ताक चौधरी ने 197 वोट लिए, अकबर मियां इरंडगी ने 175 वोट लिए, हसन साहब सौकार ने 156 वोट लिए, अब्दुल गफ्फार संघवी ने 139 वोट लिए, अब्दुल रौफ गुड़ू ने 139 वोट लिए, मोहम्मद फखरुद्दीन रटके ने 130 वोट लिए, पाशा मियां पहाड़ ने 124 वोट लिए, मोहम्मद यूनुस मियां राजोले ने 123 वोट लिए, उस्मान मियां रटके ने 120 वोट लिए, अब्दुल हमीद गोरे ने 120 वोट लिए, ताहिर पाशा ने 108 वोट लिए। ये इलेक्शन मुजाहिद पाशा कुरैशी, मौलाना अब्दुल सलाम खासमी, मौलाना फरखुंदा अली, इन लोगों की जेर निगरानी में ये इलेक्शन अमल में आया। इस इलेक्शन के चीफ गेस्ट जमात इस्लामी हिंद के रियासती नायब सदर जनाब मोहम्मद यूसुफ कनी, जमात इस्लामी हिंद के स्टेट सेक्रेटरी जनाब अकबर अली, अमीर मुकामी कलीम आबिद, जमात इस्लामी हिंद बसपा कल्याण और इनके अलावा कई लोग मौजूद थे। मैं इन इब्तदाई कलिमात के साथ मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ कि इस वक्त हमारी जो कमेटी के दरमियान में जो इलेक्शन को हमने डिक्लेयर किया था, जिसमें जमिया बरादरी बसपा कल्याण की कुरैश बरादरी जो 345 अफराद पर मुश्तमिल मर्द हजरात पर, इसमें से 337 लोगों ने वोट डाला और 337 लोगों के ज़रिए से जिन 11 अफराद को आपने चुना उनके नतायज का ये ऐलान कर रहा हूँ। तो जो लोग मैंने सुबह भी बात कही थी कि लोग जीत और हार नहीं है, बल्कि ये बात इस समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक ताला ने आपको खिदमत के लिए मुंतखब किया है, और जो लोग उनके नसीब में नहीं था, उनकी किस्मत में नहीं था, वो अल्लाह तबारक ताला हो सकता है उनके लिए वो खैर नहीं होगा, उनको दोबारा फिर मौका इनायत करेगा। जो जीतने वाले को खुशी और हारने वाले को गम और मलाल नहीं होना चाहिए। जीतने वाले हैं वो भी सर झुकाएं इज्जत के साथ कि लोगों ने आप पर ट्रस्ट किया, भरोसा किया और आपको मुंतखब किए, और जो लोग नहीं जीत पाए, नहीं मुंतखब हो पाए, वो लोग दूसरों की शिकायत और उन्हें इंतखाब ना करने पर उन्हें कोई गैर गलत बात ना कहेंगे। मैं जो 34 अफराद जो वोट लिए जो मुंतखब नहीं हुए, मैं वहाँ से इसका आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले अब चूँकि मैं बहुत वक्त की तंगी है, मैं चाहता हूँ कि जो लोग 11 मुंतखब हुए हैं उन्हीं का नाम ऐलान करता हूँ, बाकी लोगों के नाम नोटिस पे लगवा देता हूँ। तो मैं जो पहला जो नाम जो मुंतखब होने वालों में से है, मैं ये कमेटी 2021 से 2023 तक रहेगी, तो जनाब ताहिर पाशु अल्लाह अकबर जिन्होंने 108 वोट लिया है। दूसरा नाम जनाब अब्दुल हमीद गोरे साहब अल्लाह अकबर 120 वोट लिए हैं और मुंतखब हुए हैं। जनाब उस्मान साहब रखते इन्होंने 120 वोट लिए हैं। जनाब मोहम्मद यूनुस राजुले जिन्होंने 123 वोट हासिल किए हैं। जनाब पाशा मियां पहाड़ 124 वोट लिए हैं। मोहम्मद फखरुद्दीन रक्टे जिन्होंने 130 वोट हासिल किए। जनाब अब्दुल रऊफ गुड़ू 139 वोट हासिल किए। जनाब अब्दुल गफ्फार सामवी साहब जिन्होंने 139 वोट हासिल किए। जनाब हसन साहब सौकार 156 वोट हासिल किए। जनाब अकबर एरंडी साहब 175 वोट हासिल किए। जनाब मोहम्मद मुश्ताक चौधरी जिन्होंने 197 वोट हासिल किए। तो मैं जो लोग मुंतखब हुए यहाँ बैठे हुए हैं, फौरी तौर पर उनकी शालपोशी और गुलपोशी की मैं यहाँ कोशिश कराऊंगा, फौरी तौर पर इनको हम यहाँ गुलपोशी की जाएगी। पहली बात तो ये है कि चूँकि कुरैशी ब्रादरी से ताल्लुक है, उसी का
इंतजार से इंतजार हुआ है ऐलान करेंगे इंशाल्लाह। और आपको मालूम होगा कि पिछले 6 महीनों से कुरैशी बिरादरी खासकर कर्नाटक में निशाने पर है। गवर्नमेंट ने एक कानून लाया है वो कि वो कानून कर्नाटक में नाफिज होता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन वो नाफिज करेंगे। एक हथियार है वो जब चाहे इस्तेमाल करेंगे।